यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें मेदांता अस्पताल के आईसीयू में शिफ्ट किया गया। मेदांता गुड़गांव के सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार मुलायम सिंह के लिए अगले 24 घंटे बेहद अहम है। उनकी डायलिसिस की जा रही है। फिलहाल धरती पुत्र की तबीयत स्थिर बनी हुई है। डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। मुलायम सिंह यादव को यूरिन इन्फेक्शन और ब्लड प्रेशर की समस्या। अस्पताल के सूत्रों के हवाले से बताया गया कि कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नितिन सूद और डॉक्टर सुनील कटारिया की निगरानी में मुलायम सिंह यादव का इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं। उनका 22 अगस्त से अस्पताल में इलाज किया जा रहा। मुलायम सिंह यादव अभी भी आईसीयू में भर्ती हैं। उन्हें यूरिन इन्फेक्शन और ब्लड प्रेशर की समस्या बताई गई। पीएम मोदी और सीएम योगी ने फोन कर जाना मुलायम सिंह का हाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से बात की और मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फोन कर पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव का हाल जाना। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से दूरभाष कर वार्ता पर उनके पिता एवं पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी का कुशल क्षेम पूछा। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि उनको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। मेदांता अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सकों से वार्ता कर पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी को उत्कृष्ट इलाज मुहैया कराने हेतु कहा। राहुल प्रियंका ने की मुलायम सिंह के जल्द स्वस्थ होने की कामना।